हरबी वोर्स को कंज्यूम कर रहा है उनको किल कर रहा है एंड देन ईटिंग इससे क्या हो रहा है कि अगर टाइगर सारे मर गए दुनिया से ठीक है ये टॉप कानीवर्स है तो जो हरबी वॉर्स जो है सपोज डियर उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि वो पूरे फॉरेस्ट को ही खत्म कर देंगे वो पूरे ग्रासेस को खा जाएंगे ट्रीज को वो खा जाएंगे जितने भी जो जर्मिनेटिंग होंगे ट्री जर्मिनेट हो रहे हैं सीड से बन रहा है उन सबको वो डैमेज कर देंगे इसका मतलब पूरे फॉरेस्ट को ही वो खत्म कर देंगे तो ये इसका निच है इसका रोल इस पूरे इको में रोल क्या है टाइगर का कि इट इज कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ दर्वी वोरेस्ट तो इसको हम बोलते हैं निच निच इज इट्स रोल इन द कम्यूनिटी एंड हाउ इंटर एनवाइ अपने में किस तरीके से दूसरों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल हाउ इट ऑपटे जो फॉक्स है ये किस तरीके से एक रेबिट को किल करके खाता है वो इसका नीच है इसका रोल मतलब कि ये क्या कर रहा है मेटिंग दे विल विद ईच अदर एंड प्रोटेक्शन फ्राम द प्रीडेटर इसके प्रीडेटर कौन होंगे सपोज टाइगर तो ये टाइगर से अपने आप को कैसे बचा रहा है सो दैट इज कॉल्ड नीच सो हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्मल ये जो एक नेस्ट टाइप का है, यहाँ पे ये uh, these living beings are living here, तो ये है इसका हैबिटेट और नीच मतलब कि उसका रोल वो कर क्या रहा है अपने इकोसिस्टम में दैट इज इट्स रिफर्स टू द स्पेसिफिक रोल प्लेड बाय द स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम सो टाइप्स ऑफ इसमें है है नंबर हैबिटेट इसका मतलब कि वो वो पे रह रहा एग्जैक्टली फूड व्हाट इट ईट्स क्या खा रहा है स्पीशीज और कौन सा उसका कंपटीशन है किस जानवरों के साथ में वो कॉम्पीट कर रहा है अपने खाने के लिए जैसे कि जब कोई लायन होता है वो शिकार करता है उसने बफेलो को किल किया अब जो ये फॉक्स होते हैं वो इस लायन के साथ में कम्पीट करते हैं इस बफेलो को खाने के लिए तो ये है इसका कॉम्पिटिशन क्योंकि ये बफेलो को मार नहीं सकते ये बहुत बड़ा जानवर है सो so, अब इसको कम्पीट करना है इसके साथ में तो इसे हम कहेंगे फूड निच कि ये क्या खा रहा है और इसका कॉम्पिटिशन क्या है रिप्रोडक्टिव निच मतलब कि मेटिंग ये फॉक्स किस तरीके से दूसरे फॉक्स के साथ में इसका मेटिंग के बाद रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड एंड फिजिकल केमिकल इसका मतलब कि उस जगह पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड लैंडस्केप किस तरीके के टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और लैंडस्केप में वो जानवर रह सकता है इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और कॉन्टेक्ट्रो अर वेबसाइट वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स